नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हमारी अभी इस वीडियो पे हम चर्चा कर रहे हैं तो वो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए गुरु महाराज की जो स्थिति बन रही है, गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं आपके कुंडली में, खष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, लेकिन जो नवांश है नवांश में परिवर्तन कर रहे हैं। 6 अगस्त को गुरु महाराज शुक्र के भरणी नक्षत्र में तीसरे पद में गोचर करेंगे, तीसरे पदा में। तो तीसरे पदा में जो इनका गोचर है वो आपके लिए क्या परिणाम दे के जाएगा, इसी की चर्चा आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप देखेंगे तो पसंद आएगा तो मित्रों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा, या यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। पहली बात तो नक्षत्र पर लोग बात नहीं करते, बात करते हैं तो नक्षत्र नवांश की बात तो करते ही नहीं। यद्यपि अभी एक फ़ायदा हुआ है, आप लोगों के सपोर्ट से काफ़ी लोग नक्षत्र पे बात करना शुरू कर दिए हैं, और यह ज्योतिष के लिए बहुत सुंदर विषय है। हम रहें या ना रहें, ज्योतिष सदा था, है और रहेगा, इसलिए ज्योतिष पे धूल नहीं पड़नी चाहिए। भरणी, भरणी क्या है? इंद्रिय सुख का नक्षत्र है। पॉइंट क्या है? इंद्रिय सुख का नक्षत्र है भरणी। ध्वंस का नक्षत्र है, नवनिर्माण का नक्षत्र है। तो निर्माण और ध्वंस करना दोनों भरणी की आदत है, इसीलिए इस पे यम और काली जी को देवत्व प्रदान किया गया है, यमराज को देवत्व प्रदान किया गया है, काली को देवत्व प्रदान किया गया है। गुरु, गुरु बैलेंस करने वाले हैं। गुरु जो है ना, इसीलिए रात्रि बलि और दिन बलि कहे जाते हैं, क्योंकि आधे ग्रहों को तो ये प्यार से समझा देते हैं। सूर्य आए, अरे मैं तुम्हारा गुरु हूँ, शांत हो जाओ, मंगल को समझा दिए, और जो गुरु छोटे वाले हैं उनको डंडा मार के ठीक कर देते हैं। तो गुरु इसीलिए 24 घंटा बलि माने जाते हैं। ऐसे गुरु महाराज शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और अभी गोचर करेंगे तुला नवांश में। तुला नवांश में 6 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक का जो शुक्र गुरु महाराज का गोचर है, यह क्या परिणाम देगा। बीच में गुरु वक्री भी होंगे, 4 सितंबर को वक्री होंगे, तो वक्री गुरु आपको डेफिनेटली लाभ देंगे। मार्गी से की अपेक्षा वक्री ज़्यादा लाभ देंगे, लेकिन फिर भी तुला नवांश में क्या फ़ायदा देंगे। तो तुला आपके लिए क्या है? विदेश का स्वामी है। तो अगर आप विदेश जाने में संघर्षरत थे, विदेश के लिए आप निरंतर प्रयासरत थे, और आप एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं डिग्री लेने के लिए, विदेश में जाना चाहते हैं धन कमाने के लिए, क्योंकि गुरु आपके धन के स्वामी हैं, आपके एजुकेशन के स्वामी हैं, अतः सप्तम दृष्टि इनकी पढ़ भी कहाँ रही है? पढ़ रही है इनके विदेश के घर पर। नवम दृष्टि कहाँ पढ़ रही है? धन के घर पर। तो तुला नवांश में गुरुदेव का जो गोचर है, पहली बात तो है कि विदेश जाने के लिए आपके मार्गों को प्रशस्त करेगा, पहला पॉइंट। द्वादश भाव चूंकि विदेश का है ही, इसलिए आप अगर विदेश में ही हैं तो आपको यहाँ पे घूमने का मौका मिलेगा। जो जगह आपने नहीं घूमी है, जो परिवार के साथ घूमने लायक जगह थी नहीं घूम पाए थे, वो घूमने का मौका मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा ट्रिप लगेगा कि इसमें आपको भ्रमणार्थ निकलना पड़ेगा, भ्रमण के लिए निकलना पड़ेगा, और यात्रा जो है आपके लिए सफल, सुखद, मंगलमय होगी। क्यों? क्योंकि शुक्र के तुला नवांश में गोचर कर रहे हैं। नवांश एक्चुअली, नवांश जो है ना, एग्जैक्ट चीज़ों को बताता है। आप देखें, आप मान लीजिए वृश्चिक में पैदा हुए, तो वृश्चिक में 9 नवांशा हैं, इसीलिए सारी चीज़ें वृश्चिक वालों के लिए एक जैसी नहीं पड़ेंगी। 9 नवांश में जाएंगे तब एग्जैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर नवांश एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। तो यह जो गोचरी स्थिति है 6 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक की, इसमें आप चाहें या ना चाहें दूर देश की लंबी यात्राएं होंगी। क्या होंगी? लंबी यात्राओं के लिए आप जा रहे हैं, लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी, इसलिए यात्रा का प्रबंध आप पहले से कर लीजिए। यात्राएँ आपके लिए सफल हों, सुखद हों, इसके लिए आपके अभी लग्नेश अच्छे चल रहे हैं। लग्नेश आपके 18 तारीख से लाभ के घर में जा रहे हैं, तो लाभ भी होने वाला है पूरा अक्टूबर तक, और गुरु भी उसी चीज़ को बता रहे हैं कि यात्रा सफल, सुखद, मंगल में होगी, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, और ये शारीरिक सुखों को दर्शाने वाला है, इंद्रिय सुख को प्रदान करने वाला नक्षत्र है, अतः दाम्पत्य जीवन में आई हुई परेशानियां भी कम होंगी। जो परेशानियां ज़्यादा थी वो परेशानियां धीरे से साल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। यह ग्रह का इस नक्षत्र में गोचर, गुरु का इस नक्षत्र में गोचर, ज्ञान के क्षेत्र में ललित कलाओं में आपका विकास हो रहा है। अगर आप शुक्र से रिलेटेड कलाओं की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली लाभ ही लाभ होगा। तो ऐसे गुरु महाराज जो तुला नवांश में चल रहे हैं, और ये चलेंगे आपके 3 अक्टूबर तक, यद्यपि ये 4 सितंबर को वक्री होंगे, लेकिन 3 अक्टूबर तक भरणी के तृतीय पदा में ही होंगे, उसके बाद द्वितीय पदा में
वक्री होंगे। तो वक्री के लिए अलग स्वतंत्र वीडियो आपको बना के दिया जाएगा। तो ये शुक्र की गोचरी स्थिति आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाली है, यात्रा करनी पड़ेगी, तैयारी कर लीजिए। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।